नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के फुल अपडेट के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि गदर 2 मूवी अपने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पांस दिखाएगी, और साथ ही साथ गदर 2 मूवी को अभी तक ऑडियंस की तरफ से जो कि रिलीज के पहले ही कितने अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पर नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पर बने रहें, ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप लोगों को बताइए चले कि गदर 2 जिस फिल्म का इंतजार बहुत ही लंबे समय से छोटे से बड़े लोग भी कर रहे हैं, आप लोगों को बताइए चले कि बच्चे भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और वही दोस्तों बड़े भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है। तो आप लोगों को बताइए चले कि सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी जो कि बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, कि इस फिल्म के आए दिन कुछ न कुछ नए पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसी कारण इस फिल्म का क्रेज बस और भी ज्यादा बना हुआ है, और सनी देओल की फिल्म गदर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी 90 के दशक में। इसी कारण गदर 2 मूवी का भी अच्छा खासा क्रेज बना हुआ है, और वही दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आप लोगों को बताइए चले कि गदर 2 मूवी जो कि 15 अगस्त के दिन रिलीज होते हुए नजर आएगी आप लोगों को, और वहीं आप लोगों को बताइए चले कि इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा दिखाई देंगे। आप लोगों बता दें कि इस फिल्म में जो कि पुराने ही स्टार कास्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हालांकि स्टोरी बहुत ही डिफरेंट रहेगी और बहुत ही हटके रहेगी। और वहीं आप लोगों बताए चले कि इसमें अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा का बहुत ही दमदार और जोरदार रोल रहने वाला है, और वहीं सनी देओल बहुत ही डेडली लुक में भी आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं गदर 2 मूवी में। वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बताइए चले कि यह फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है गदर 2 मूवी क्या 40 से 45 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले पाएगी कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।